लोग एक बार फिर से सुने, तमाशे का नाम है मछला हरण, मछला हरण उर्फ पथरीगढ़ की। आइएगा साथियों, ये आपके सामने ग्राम महोबा है, यहाँ पर बड़े भैया अलहदत तो दरबार में आते हैं और देखिए क्या होता है। कहानी पर विशेष ध्यान दें। रूबल जय हो, खुश रहो। रूबल बोलो, शे बताओ, हमारे इस महाबानगर में किसी शख्स को कोई परेशानी तो नहीं है? बड़े भैया, आपके इस महाबानगर में किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, जहां तक हो सके किसी शख्स को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो है भैया, एक काम करो तुम। बोलो, इस वक्त हमारे भाई छोटे उदल को बुलाओ, कुछ बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी बुला रहा हूँ। हेलो उदल भैया, आपका सही गुलाम, आप बहुत जल्द दरबार माने का कष्ट करें। आशीर्वाद है, ये बताओ। हाँ, अचानक आज हमें बुलाने का सबब? हाँ, बड़े भैया ने कहा, बड़े भैया ने छोटू को बुला, तो मैंने आपको बुला दिया। बहुत अच्छा, चलो चलते हैं। भैया, अचानक आज हमें दरबार में बुलाने का सबब? हाँ, क्या बात है, फरमाइए। कुछ ऐसा जरूरत पड़ गई कि तुम्हें राज दरबार में बुलाना पड़ा। लेकिन बात क्या है बड़े भैया? और सुनो, किस लिए बुलाया है? यानी बड़े भैया, आज आपका दिल हो रहा है कि बनबिहार शिकार खेलने जाएंगे, लेकिन ऐसे शिकार खेलने मैं जाकर, लेकिन आज आपकी तमन्ना हो गई। हाँ छोटू, हमेशा तो तू जाता है, लेकिन आज मेरी इच्छा है कि मैं शिकार खेलने जाऊँ। बड़े भैया, जैसी आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे लिए आज्ञा क्या है? तुम्हारे लिए आज्ञा यही है कि राज दरबार से महल तक अच्छी तरह से पहरेदारी करना है। बहुत अच्छा, जैसा कहेंगे भैया वैसा करूंगा, और किसी प्रकार की कोई किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं भैया, हमारी जिम्मेदारी है और हर कार्य जिम्मेदारी के हिसाब से करना है तुम्हें। ठीक भैया, आप मैं जा रहा हूँ। ठीक है, क्या बात भैया? भैया चले गए बनबिहार शिकार खेलने, शिकार खेलने चले गए, और यहाँ तुम हो और मैं हूँ। मैं हूँ, तुम हो, कोई नहीं है, कोई नहीं है तीसरा। कुछ कहूँ? चाहे जौन कहो, चाहे जेरे जेरे हुए, इमा कौन कहा वाली बात है। बात ये है, आज हाँ, मैं रास्ते में आ रहा था, एक जगह डीवीडी चल रही थी। डीवीडी चल रहा है? हाँ, तो और उसमें एक पिक्चर लगी थी। पिक्चर लग रहा है, एक हीरोइन था और एक हीरो था। मान लिया हीरोइन आप हो गए, हीरो मैं हो गया। मतलब हीरोइन हम हो गए, हीरो तुम हो गए। हाँ, मतलब बात आया गए, मिसाल है, बात है। अच्छा, और गाने के बोल क्या है? वही गाना गाता हीरो और हीरोइन से लव करता है। लव करता है? हाँ, यानी घबराओ नहीं, टोपी उतार दो। अच्छा, टोपी उतार दी ना, और ये दुपट्टा है ना, ये दुपट्टा खोलो, खोल दी ना, ऐसे सर से ओढ़ो, सर से ओढ़ी, दुपट्टा उतने बड़ा है, दुपट्टा बड़ा दुपट्टा ला रहे, खोलो। हाँ, वो तो वहाँ तो फटाहे देवे कर ला, 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 ला। जल्दी आ यार, उड़ो उड़ो उड़ो। मतलब तुम हीरो? हाँ, और तुम हीरोइन हो गए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा, मगर बात ये,
कि भाव की कमी है। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और गाने के बोल क्या है, अच्छी लग रही हो। दियो अने बात कितनी अच्छी लग रही हो। अरे ऐसे वो हीरो कह रहा था हीरोइन से। अच्छा है वो हीरो कहा। अरे रहती कहा हो, हो। अरे कुछ नहीं होगा मेरे भाई। चलो अच्छा। अरे रहती कहा हो, अरे खरिहानी कहाँ है गोरी। अरे कजरवा लगाए के, कजरवा लगाए के। कहाँ चले गए? यार बात सुनो यार, यह दुनिया बड़ी मतलबी है, यह दुनिया बड़ी मतलबी है, तुमका बता दे। दुनिया तनी मतलबी है भैया, कोकुर बिलारी फिर ठीक है, मनाई भर मतलबी कोनो इंसान नहीं है। आज तुमका भैया हम बात बता दे, हमरे खिया जौन है कि हमारी अम्मा खत्म हो गई। दो दिन बीते, चार दिन पहले हमारा बप्पा खत्म हो गए रहे। जब बप्पा खत्म हो गए हमारे, हम पड़वक दिना चिल्लाई, अरे दादा दादा हमारे बप्पा खत्म हो गए, अब बप्पा कहीं का कहा भाई रे। खैर कम से कम 100-200 मने बटुरी आए हमारे बप्पा की मट्टी में ही। हाँ कहीं बच्चा अगर ऐसी बात है तो रोआओ ना, आज के बाद हमका अपन बप्पा समझो। कम से कम 50 जने खड़े हो गए। खैर हम सबका अपन बप्पा मान ली ना, लेकिन दिमागो लगाओ भैया, हम 50 बप्पा बना ली ना, और 50 बप्पा के बीच अम्मा हमारे अकेले एक गौन दशा हो। अरे पता नहीं कैसे का बीता भैया, दूसरे दिन हमारी अम्मा मर गए, अम्मा मर गए संकय माँ, 50 बप्पा संकय मर गए भैया। अब हमार चिल्लाई, अरे दादा दादा, अरे भगवान कैसे गज डारे हो, हमारी अम्मा मर गए, अब अम्मा कहीं का कहबे। खैर कम से कम 100-200 मेहरुआ खड़ी रहे, 100 मेहरुआ राजी हो गई। कहीं बच्चा तुम टेंशन का है ले रहे हो, तुम्हारी अम्मा खत्म हो गई तो हो गई, आज के बाद हमका अपनी अम्मा समझो। और
हमका संतोष होएगा। अरे भैया आज सवेरे के बाद भैया हम फोन ते बात करित रहन, भैया फोन ते बात करित रहन, मेरवा हमारे हमका भैया पकड़ ली सी, वह भैया फांसी लगाई सी, खैर बच गए, मरी नहीं मरी नहीं, वही के सिविल में भर्ती होके जाए, सांस चले हिया हम पड़ा उतना बम्बई। अरे दादा दादा अब हमारे मेहरुआ मर जाई तो हम कही का मेहरुआ कह रे दैया। अरे मोर मेहरुआ कम ते कम 100-200 मेहरुआ खड़ी रही, कबली हस्ता तक नहीं पोड़ती रही, लेकिन कौन को मोहिते नहीं निकरा कि आज के बाद ही हमका अपन मेहरुआ समझो। अरे अरे यो तो मान लिया बात सही, बताओ कत्ते दुनिया मतलब ही है सौ दूसरे के मनसवा बनी हो। हाँ वह है बता हाँ। यार अरे कौन को कही देते तो हमारे जीव का सबूरी हो जाते हैं। आइएगा दोस्तों आप लोग कहानी पर विशेष ध्यान दें। इधर देखिए सावन का मस्त महीना चल रहा है और ये राजमहल है, यहाँ पर कौन भाभी मछला आती हैं और देखिए क्या होता है, सीन पे गौर करें। कहते कुछ गाय वाली है यार, गाय लेगा चलो। अरे मारे जान चिराई का जरवाला गाय है, मारे जान चिराई का जरवाला गाय है, मारे जान चिराई का जरवाला गाय है, मारे जान। अरे बने नारी विष्णु और सुनो चक्रधारी, अब मोही गए शंकर अब गई है मक्ति मारी, अरे नारद कमायो पंद्रवा बना इनके का है बताए तो का बात हो, का समझा लिया यार तुम्हारा लौंडा है, नहीं फिर तुम्हारी उल्टा सीध गई हो, चले जा रहे कहा। अरे भोग में हम भरे जाए थे। अबे तुम्हारी गर्मी शांत कहीं था सा, साथ वैसे कोने बैठो सर उन्हें कहे। अरे सुपन्या खा रामण कई बहिनिया, अरे राम लक्ष्मण संग पहुंची ठगनिया, अरे नासिक की हो पुलका अरे नकिया कटाई के, अरे जान चिराई अजरवा लगाई के, अरे जान चिराई अजरवा लगाई के, अरे जान। और राधा के कजरा मफसी के कन्हैया, अपन बल मजा खाओ और चराए रहे गैया, अरे लूट ली हो कांधा कमरली चोराई का, मारे जान चिराई मारे जान चिराई। यो तुम क्या कर रहे हो? हम गिनती गिन रहे हैं यार। क्या कहे बर्बाद घूम लागे का गिनती का सारे कहो पढ़ा लिखा दियो ना लिखा दियो तो नहीं हो तुम का दे सर उतारी दे मानो हमारी बात घर में सर का जवाब दे हो तो कुछ का हो जाए। अरे यही कजरा का कलयुग मैया, अरे बहुत बड़ा मान है, और ये कजरा में फंसे बापू आसाराम है, अरे जेल में जिंदगी बिताए दीनी, अरे झलरा रोटी खाई के, मारे जान चिराई अजरवा लगाई के, मारे जान चिराई अजरवा लगाई के, मारे जान चिराई अजरवा लगाई के, मारे जान चिराई मारे जान। तुम बारो भर नहीं समझ रहे हो जवान, यो कौन भगल बना रहे हो? अरे सी ऐसी 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 वो इतना फिर करो ऐसी करो देखी ऐसी देखा मने देखे देखी
चलो बे कहो सर पेटू उलार के दिखा रहा है, कहो सर कुछ ने दिखा दिए। चलो भैया तुम तेम हार गए। आइएगा दोस्तों कहानी पर ध्यान दे, इधर कौन सावन का मस्त महीना चल रहा है और भावी मछला आती है राजे भलों में और देखे क्या होता है, कहानी विशेष ध्यान दे। देखो बानी सावन का कितना मस्त महीना। अरे सावन का ये मस्त महीना, अरे भाभी जी इसमें तो सोहर होने चाहिए और सावन गीत होने चाहिए। हाँ, इस मौसम में तो सावन गीत बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा करें भाभी आप जो अपने यहाँ मायके में सीखी हैं वो सुनाइए कोई बढ़िया सा गीत। हाँ। और क्या, और मोरे भैया यही है नवैया। मोरे भैया यही है नवैया सावन झूला
जगह झूला झूले जाएगी क्यों नहीं, लेकिन भाभी बहुत बहुत ऊंचे झूले पड़ते हैं। अरे ऊंचा झूलने की बात ही दूसरी होती है। देखो मुझे ऊंचा झूलने में तो बड़ा डर लगता है, मुझे घूमने चढ़ती है। झूले चढ़ती है ना, खटाई नहीं चलना, खटाई और क्या, खाल घूमने नहीं चढ़ेगी, खटाई में पेट दर्द करत कुछ है का तो नींबू चाटा था। देखो एक काम करो, तुम जाओ पहले हमारे उदल देवर को बुला के लाओ, उनसे कहकर मैं नौलखा बाग में झूला डरवा देती हूँ, उसके बाद में सभी सखी यानी दद्दू भी चलेंगे। हाँ अरे तब तो झूला झूले बड़ा मजा आएगा। हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ए हेलो, अरे रे रामा तोहरी सूरत नागिनवा मिलबू तौनी बहिना बाबा, हो रामा तोहरी सूरत नागिनवा मिलबू तौन बहिने बाबा, हो रामा तोहरी। हमारी आज्ञा ये है कि आपके महल से राज दरबार तक देख रेख करना है, और अभी मंगवाएंगे रेशम की रस्सी और इसी महल में जाएंगे झूला, सब लोग झूलो। क्यों बानी? अरे दद्दू सबसे बढ़िया मंगाओ रस्सी, यही महल में झूला जाए और घर के घर में रहे और भूख लगे कुछ बना खाई ली जाए, पकौली पेड़ा। हाँ हाँ पकौड़ा पेड़ा खाओ, मैं कानूनी सखी चली गई है। अरे मैं कानूनी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? कैसे जो बाकी सखी चली गई उनते कहते को फंस गए ना है। देवर जी हाँ भाभी, अगर तुम मेरे लिए नौलखा बाग में झूला नहीं डरवाओगे तो यहाँ तक मैं आपसे बोलना चलना बंद कर दूंगी और मेरे साथ की कोई सखी आपसे बात नहीं करेगी। सब जरा टट्टी कर लियो, टट्टी कर लियो सब। हाँ कट्टी कर लियो साहब, कट्टी कट्टी कर लियो। कोई बात नहीं हुई, मान ली अगर तुम्हें नौलखा बाग झूला झूलने नहीं गए आप मुझसे बोलना चलना बंद कर देंगे। सबने कहा कर लियो, खुट्टी कर ली हो, वो बोलो नहीं, सब जरा टट्टी कर ली। अबे कट्टी वाली नहीं बोली, कट्टी कट्टी कौन बोली, कौन बोली? इधर आ, तू भी चुप हो गई क्या? क्या झक्कास है यार।
देखो तो क्या है? ऐसा है वहाँ मत जाना, वहाँ का झूला बहुत बड़ा खराब है। तो मैं तो कहता हूँ बड़ा ऊंचा झूला पर तो टांग जांघा फाट गया तो टांग टूट जाए, बेकार हो जाओगी। यही महल में झूला। जब मैंने कह दिया मैं नहीं बोलूंगी तो कोई नहीं बोले। हम नहीं बोले तब तो बोल कहीं ना, हम नहीं यो नस काटा बोल कर जो हम बोल कान तो बोली तो का करी हम इनका मारो, इनका मारो तो गाली है मरियो। गलती उनके आर्मी वाला कौन है? बात हम बोल कान का है। पूरे महल में चुप हो गई, शांति हो गई, कोई किसी को बोलेगा नहीं। और मार दे सटा के लोहा करूंगा। क्या बताएं, वो बेचारी बोलती है तो मार खाती है। भाभी तुम्हारी तमन्ना के देवर हमें नौलखा बाग झूला झुलाओ, मैं वादा करता हूँ हम तुम्हें नौलखा बाग झूला झुलाएंगे, तो हम भी चलते हैं आपके साथ। लेकिन देवर या तो कोई बात नहीं बाबा, या तो पहले कह दे तो झुला में चलवा हम कमार के वागे दद्दू, ये नहीं सभी है। देख मेरी बड़ी भाभी है चामना बोलो। लेकिन देवर जी बोला वो आपके साथ में रहता था, उसका क्या नाम? उसका नाम है रूपन। रूपन देखो देवर, रूपन को बुला लो नहीं तो हम लोगों को हंसी नहीं आएगी। रूपन जाएगा, हम जाएंगे। क्या हो गया बे? अब तलवार लाग तो चुदा गिर हम चुका देने। हाँ भाई बे खून करिए बे, देखो हम चल बे। चलिए अब और कैसे खेले जयपुर सावन माह कदरिया बदरिया फेरे माहिल का आगमन होता है। और देखिए मोहब्बे में माहिल दादा आते हैं और देखिए क्या होता है, कहानी पीछे ध्यान दे। तो गए न महोबा।